हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज हेल्पलाइन। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष जैन आपको आज एक नई वीडियो जिसका नाम है DHFL क्राइसिस फुली एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ कंसीडर योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर फर्दर डिटेल्स। दीज डिटेल्स विच आर यूज आर फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। Please read all the documents carefully before investing any of the following shares. DHFL crisis. DHFL ऐसी कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती है। लेकिन सितंबर में से इस कंपनी का शेयर अराउंड 630 ट्रेड करता था, वहां से सीधा अराउंड अभी के टाइम पे 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों, आज अपन समझेंगे इसको पूरा अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके मेनली तीन सबसे बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले IL एंड FS क्राइसिस, दूसरा कोबरा पोस्ट एलिगेशन, तीसरा लिक्विडिटी क्राइसिस। सबसे पहले अपन समझते हैं कि कौन से पीरियड में किस चीज़ ने शेयर की प्राइस को इतना ज़्यादा इफेक्ट करा। सबसे पहले IL FS क्राइसिस, इसका मतलब इस पीरियड के सितंबर के पीरियड के अंदर कंपनी को IL FS ने अपने लोन रीपे करना बंद कर दिए। इसके कारण DHFL को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसको मैं आपको वीडियो में आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जनवरी का पीरियड, जहां पे कोबरा पोस्ट ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे कंपनी के अगेंस्ट। अब इसका आखिर में क्या हुआ कि लिक्विडिटी क्राइसिस अमंग द काफ़ी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फेस करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट ऑफ IL FS। इससे क्या हुआ, जो कंपनी के जो डेली इनफ्लोस थे वो कम हो गए। इट मीन्स आउटफ्लोस तो वैसे ही रहे, इट मीन्स कंपनी से पैसा तो उतना ही जा रहा था, लेकिन इनफ्लो कम हो गए। जो लोन रीपे करना था IL FS को वो कम हो गया, और कंपनी का आउटफ्लो जो रीपेमेंट है वो उसी स्पीड में रहा। मतलब आगे तो वो चुकाते गए लेकिन पीछे से पैसा नहीं आया। इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो पैसा कैश में रखा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता गया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का शेयर 632-250 के अराउंड ट्रेड करने लग गया। लेकिन तब तक भी कंपनी में कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद जब लिक्विडिटी क्राइसिस से जब उनकी लिक्विडिटी कम होती गई तो उसके बाद काफ़ी सारे बैंक्स ने उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जान के उनको लोन्स देना भी कम कर दिए, या फिर ये भी कह सकते हैं काफ़ी सारे बैंक ने, जैसे HDFC होगा, एक्सिस बैंक होगा, उन लोगों ने लोन देना बंद भी कर दिए। तो सबसे बड़ा ये पार्ट रहा कि IL FS का रीपेमेंट प्रॉब्लम। सेकंड, कोबरा पोस्ट एलिगेशन का क्या मतलब है कि कोबरा पोस्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्टिंग करती है कोई भी फ्रॉड होती है। ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो हर एक कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेती है, फिर उसके अगेंस्ट कोई भी अगर एलिगेशंस होता है तो उसको सामने लाती है। तो कोबरा पोस्ट ने अराउंड जनवरी में 31,000 करोड़ का स्कैम का पता लगाया, जिसके अंदर उसके प्रमोटर पे उन्होंने लगाया कि उन लोगों ने जो कंपनी के 31,000 करोड़ है वो किसी शेल कंपनीज में डाले हैं। शेल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो खाली कागज़ में होती हैं, उनका कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। तो इसका भी कंपनी के शेयर के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। इसके बाद कंपनी ने काफ़ी सारे प्राइवेट ऑडिट्स करवाई, उससे क्लियरेंस उनको काफ़ी सारे मिल गई, लेकिन फिर भी उनको सेबी से क्लियरेंस नहीं मिला। सेबी एंड MCA से उन्हें क्लियरेंस पेंडिंग रह गया। तो इस वजह से कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, और अराउंड 250 के अराउंड जो शेयर ट्रेड करता था वो अराउंड 120 के अराउंड ट्रेड करने लग गया।
इसके बाद कंपनी के पास पैसा धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न हुआ इन सब चीज़ों का लिक्विडिटी क्राइसिस। इससे कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस का स्टार्ट हो गया था। इसके बाद उनको लोन्स में भी प्रॉब्लम आने लग गई, आगे रीपेमेंट में भी प्रॉब्लम आने लग गई। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने जुलाई में अराउंड 1000 करोड़ के कॉमर्शियल पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद कंपनी का शेयर अराउंड 80 के अराउंड ट्रेड करना चालू कर दिया। उसके बाद क्रिजेल और इकरा जो इंडिया की सबसे बड़ी दो रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी कंपनी के जो कॉमर्शियल पेपर्स थे उसे डाउनग्रेड कर दिया। इस डाउनग्रेड से कंपनी के शेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो कंपनी का शेयर जो अराउंड 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा था तो वो 60 के अराउंड आ गया, और फ्यूचर्स में तो ये प्राइस अराउंड 52 तक भी जाके आई थी। तो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बट कंपनी ने धीरे धीरे अपने असेट बेच के रीपेमेंट चालू रखे। इससे कंपनी की प्राइसेस, शेयर की प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट होके बढ़ने लग गई। करंटली इट इज़ 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बट कंपनी की लेटेस्ट पोजीशन के बारे में भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अभी तक अपने क्वार्टर जनवरी टू मार्च के 2019 फाइल नहीं करे हैं BSE को। मीटिंग 29 ऑफ जून को है जिसमें वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। कंपनी अभी भी अपने असेट्स धीरे धीरे बेच रही हैं जिससे वो कुछ लिक्विडिटी जनरेट करे और जल्द से जल्द रीपेमेंट करे। उसके अलावा कंपनी ने एक कमेटी अलग प्रिपेयर करी है जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहा है कंपनी के लिए, और जिसके अंदर कपिल वाधवा द CEO ऑफ DHFL अपना मोर देन 50% ऑफ द स्टेक्स डाइल्यूट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि कोई नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर आए जो काफ़ी सारा कैपिटल लाए और कंपनी को एक नई राह पे लेके जाए। तो अपना सवाल बनता है कि अपने को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि आप वेट एंड वॉच की स्थिति ध्यान में दें। आप सिंपल वॉच करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना लें अभी, क्योंकि कंपनी को अभी तक सेबी से क्लियरेंस नहीं मिला है अगेंस्ट द एलिगेशंस ऑफ द कोबरा पोस्ट के एलिगेशंस के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप वेट एंड वॉच ही करें, और अगर इसमें कोई भी हाइप बनता है, मतलब शेयर की प्राइस अराउंड 120 भी पहुँचती है, तो आप इन्वेस्ट तो ना करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में और कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो फंडामेंटली है, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।